नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आटा चक्की का, तो आप कितने इंच की आटा चक्की लें। तो आज हम इसके बारे में आपको फुल जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वीडियो वॉच करें, तभी आपको हर एक जानकारी अच्छी तरह से समझ में आएगी। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि सामान्य बिजनेस या उच्च बिजनेस या छोटा बिजनेस, आप तीनों बिजनेस के बारे में आपकी कुल कितनी लागत आएगी, हम इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए तो हम जानते हैं बिजनेस के बारे में। अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में जानेंगे कि आप उसके लिए कितने इंच की आटा चक्की ले सकते हैं। अगर आप एक सामान्य बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हम उसके लिए जानेंगे कि आप उसके लिए कितने इंच की आटा चक्की ले सकते हैं। अगर आप एक उच्च क्वालिटी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम जानेंगे कि उसके लिए आप कितने इंच की आटा चक्की ले सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं छोटे बिजनेस के बारे में। अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए 14 इंच की आटा चक्की होती है। 14 इंच की आटा चक्की आपको एक घंटे में अच्छा खासा आटा निकाल के देती है। तो आप 14 इंच की आटा चक्की के साथ अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास कम पैसाई आती है और आप एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप 14 इंच की आटा चक्की अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं। और छोटे बिजनेस में आपकी कम से कम लागत आती है, यहीं कि आपको 50,000 रुपये की लागत आ सकती है एक छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए। चलिए तो हम जानते हैं सामान्य बिजनेस के बारे में। अगर आप एक आटा चक्की का सामान्य बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सबसे अच्छी आटा चक्की होती है 16 इंच की आटा चक्की। आप 16 इंच की आटा चक्की के साथ एक सामान्य बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 16 इंच की आटा चक्की आपको अच्छा खासा आटा निकाल के देती है एक घंटे में। अगर आप सोच रहे हैं कि लागत के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी लागत आएगी, तो 16 इंच की आटा चक्की के साथ आपकी लागत कम से कम आती है, जैसे कि आपकी लागत 60,000 से 70,000 रुपये के बीच में ही आएगी। इससे ज़्यादा आपकी लागत नहीं आएगी अगर आप एक 16 इंच आटा चक्की बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। चलिए तो हम जानते हैं एक उच्च क्वालिटी के बिजनेस के बारे में। अगर आप एक आटा चक्की का उच्च क्वालिटी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपकी कम से कम लागत आती है। यानी कि देखिए, अगर आप एक उच्च क्वालिटी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास अधिक से अधिक पैसाई आती है तो आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप 20 इंच से ऊपर की आटा चक्की ले सकते हैं। अगर आप जैसे कि 22 इंच, 24 इंच, 26 इंच, 30 इंच, 32 इंच ये आटा चक्की ले सकते हैं। अगर आप एक उच्च क्वालिटी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप ये आटा चक्की ले सकते हैं। अगर आपके पास कम पैसाई आती है तो आप बड़ी आराम से सामान्य बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो एक 16 इंच की आटा चक्की के साथ किया जा सकता है। तो चलिए हम जानते हैं उच्च क्वालिटी के बिजनेस में, यानी अगर आप एक उच्च क्वालिटी का आटा चक्की का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपकी कितनी लागत आएगी। अगर आप एक 20 इंच आटा चक्की लेते हैं तो इसमें आपकी कम लागत आती है। अगर आप एक जैसे कि 24 इंच या 26 इंच या 30 इंच या 32 इंच आटा चक्की लेते हैं तो इसमें आपकी लागत 80,000 से लेकर और आपकी 1,20,000-30,000 रुपये तक आ सकती है। अगर आप आटा चक्की के बारे में फुल जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और हमने आपको जितनी भी आटा चक्की बताई हैं और सभी आटा चक्की 3 फेज में बताई हुई हैं। यानी अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 3 फेज की आटा चक्की लेनी पड़ेगी। अगर आप एक 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच, 24 इंच कोई भी आटा चक्की के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें कुल टोटल आपका कितना खर्च आएगा, आप सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आपको सभी प्रकार की आटा चक्कियों की वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।